हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों, आज का वीडियो जो है प्रैक्टिकल वीडियो है, लेकिन मशीन पे प्रैक्टिकल करवाने से पहले थोड़ा सा जो है हम पहले बोर्ड पे जो है व्हाइट बोर्ड पे वो प्रोग्राम हम बना लेंगे जो हमें मशीन पे चला के देखना है। ठीक है, तो आज जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो हम करेंगे चैम्फर लगाने पे, चैम्फरिंग, कि हमें चैम्फर कैसे लगाना है उस पे। और चैम्फर लगाना है किसकी हेल्प से? सी की हेल्प से, C4 चैम्फर। अदरवाइज हम चैम्फर लगाते हैं तो क्या करते हैं, A4 एंगल लेके चैम्फर लगाते हैं। तो आज हम सीखेंगे C से चैम्फर कैसे लगाना है और बहुत ही जल्दी सीखेंगे, 5 से 10 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा यहाँ पे मैं थ्योरी खत्म कर दूं, बाकी आपको मशीन पे प्रैक्टिकल मैं करवा सकूं। ठीक है, तो चैम्फरिंग का जो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि चैम्फर लगाना कैसे है, तो चैम्फर का वो वीडियो नंबर क्या है वो मैं आपको बता दूं। जो भाई लोग नए आए हैं और जिन्होंने पहले ये वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, इस प्रैक्टिकल वीडियो को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए वो वीडियो नंबर 15 और वीडियो नंबर 16 ये देख ले। इसमें C4 चैम्फर लगाने का बताया है मैंने, बिल्कुल फंडामेंटल। तो आज हम उसी का एक छोटा सा जो है एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसे मशीन पर चला के देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो कंपोनेंट होगा, मैं कंपोनेंट बता दूं, हमारा कंपोनेंट जो है वो क्या है, वो डाया 75 है हमारा। ओके, और जो उसकी लंबाई है वो हमने 15 ही बनानी है। ठीक है, लेकिन हमें यहां पे क्या चाहिए, यहां पे हमें चैम्फर चाहिए, चैम्फर 1.5। ओके, तो ये चैम्फर को मैं डार्क कर देता हूं, ये हमारा चैम्फर है। और C4 जो चैम्फर होता है दोस्तों वो हमेशा 45 डिग्री पे होगा। C से केवल आप 45 डिग्री पे ही चैम्फर मार पाएंगे, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर 45 पे आपको चैम्फर मारना है तो C का यूज कीजिए और C से चैम्फर आप लगा लीजिए। और C से चैम्फर लगाने के लिए कंटिन्यूस पाथ चाहिए, कि टूल चलते चलते पोजीशन में ही सी लगेगा, ये नहीं कि आपने टूल को कहीं उठा के लाए एकदम से सी से चैम्फर मार दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो C4 चैम्फर है। अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं प्रोग्राम बना के कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले हम प्रोग्राम नंबर डाल लेते हैं O006। दोस्तों जो प्रोग्राम मैं यहां बना रहा हूं सेम मशीन पे बनाऊंगा, बस हो सकता है छोटा मोटा चेंजेस हो जाए वहां बनाते हुए। ठीक है, 6 की जगह मैं 5 नंबर प्रोग्राम नंबर डालू, 10 डालू, 20 डालू, बट बेसिकली फंडामेंटल प्रोग्राम का बिल्कुल सेम होगा। ओके, तो हमने सबसे पहले नंबर डाल दिया प्रोग्राम नंबर, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रोग्राम नंबर। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये ओ है, ये आपका O006, यहां पे कुछ भी डाल सकते हो, 1234 या 70999, मतलब जो आपका मन करे वो डालो, वो बिल्कुल यूनिक नंबर होगा आपका। ओके, अब ये क्या किया हमने, प्रोग्राम नंबर डाल लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम सीक्वेंस नंबर डाल लेते हैं N70। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस नंबर। ठीक है दोस्तों, सीक्वेंस नंबर हो गया। अब हमें टूल टर्रेट को सबसे पहले होम करना, हमें नहीं पता मशीन हमारी कहाँ खड़ी है। ठीक है, तो होम करना है, उसे घर पहुंचाना है उसके। ठीक है, तो होम करने के लिए मैंने कोड बताया था आपको, G28U0.00W0.00, ये हमारा होम पोजीशन है। इसके ऊपर भी वीडियो में पहले बना चुका हूं, वीडियोस मिल जाएंगे आपको, आप शुरू से नंबर 1 से वीडियो देखिए। अब ये होम पोजीशन हमारा हो गया। अब हम टूल कॉल कर लेते हैं, टूल भी हम इस बार भी कॉल करेंगे T0710 नंबर। मैंने आपको बताया था ऑफसेट नंबर है हमारा, 07 हमारा टूल नंबर है। ठीक है, ये हम डाल देते हैं टूल नंबर। और दोस्तों प्रोग्राम हमें बनाना कैसे होता है, प्रोग्राम बनाए कैसे, तो अगर प्रोग्राम बनाना भी नहीं आता आपको तो आप सीख सकते हैं 11 नंबर वीडियो पर जाके। ठीक है दोस्तों, ये हमने टूल को कॉल कर लिया अपने। अब हम आरपीएम घुमाएंगे, आरपीएम हम घुमाने के लिए, स्पेंडल स्पीड घुमाने के लिए हम यहाँ पे
क्या करेंगे हम, G97 कोड का यूज करेंगे, इस बार G9296 नहीं करेंगे। तो G97 कोड का यूज करेंगे हम, G97 स्पैंडल कितना घुमा ले यहाँ पे, स्पैंडल में काम करते हैं यहाँ पे 1000 RPM घुमा लेते हैं दोस्तों। हो सकता है मशीन पे 1000 का 1100-1200 कर दूं या 900 कर दूं, तो आप ये चीज कंफ्यूज मत हो जाना वहां पे। M03 ये हमने दे दिया स्पैंडल स्पीड, स्पैंडल स्पीड बोल लो या आरपीएम बोल लो, ओके G97। अब दोस्तों हमें चैम्फर मारना था, तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, टूल को एक बार ऊपर खड़ा कर लेंगे यहां पे, 75 है तो हम टूल को खड़ा कर लेंगे, G00X 75 है तो टूल को थोड़ा ऊपर खड़ा कर लेंगे, Z2.00। अभी टूल क्या है, 77 डाई से थोड़ा ऊपर खड़ा है, थोड़ा पीछे खड़ा है, अब इसे कर लेंगे नजदीक, Z0.00 कर लेंगे, ठीक है। अब G01X एक्स माइनस में उतारेंगे 0.5 तक, या आप इसे 0.0 तक भी उतार सकते हैं, लेकिन हम नीचे इसलिए उतारते हैं प्रैक्टिकली कि हल्का फुल्का अगर सेंटर यहां बच जाए तो वो भी कट जाए, तो मैं यहां पे एक्स 0.00 कर दे रहा हूं, फिर 0.24। पहले टूल हमारा यहां खड़ा हुआ, फिर हमारा जेड जीरो पे थोड़ा आगे टच किया, फिर ऐसे उतर के टूल हमारा इस पॉइंट पे आ गया। अब ये एक्स 0.00 आया, अब कंटिन्यूस कट यहां से चालू होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें 75 डाय पे चैम्फर मारना है, तो अब हम लिखेंगे G01X 75.00 C1.5 फिर 0.2। अब टूल हमारा इस सेंटर पॉइंट से X0 से 75 डाय पे जाएगा, हमने लिख दिया वहां पे C1.5, तो वो 75 पे जाते हुए चैम्फर मार देगा 1.5, केवल इस लाइन को लिखने से, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, अब हम इसे जेड माइनस ले चलेंगे, G01Z-15.00 फिर 0.24, ठीक है दोस्तों, ये काम हमारा हो गया। अब हम होम कर लेते हैं इसे, हम कर लेंगे G28U0.00W0.00। अब क्या करना है हमें, हमें इस पेंडल को रोकना है M05 में स्पैंडल स्टॉप हो गया, M02 में प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसे स्पैंडल स्टॉप, और सबसे नीचे M02, प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है, इसे हम मशीन पे चलेंगे और मशीन पे से प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे, ओके। आइए दोस्तों मशीन पे चलते हैं और प्रैक्टिकल वीडियो बनाते हैं इसका। हम ये देखिए, ये कंपोनेंट हमारा लगा हुआ है, 75 डाया है इसका। अभी 75 डाया पे जो है मैं आपको चैम्फर लगा के दिखाऊंगा, ठीक है, C4 चैम्फर, ओके। आइए शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं, स्क्रीन पे ले चलता हूं। मैं सीक्वेंस नंबर जो है N7 के जगह जो है मैं रखूंगा N70। ये देखिए आप N70, ओके। अब जो है हम होम पोजीशन करेंगे, होम पोजीशन के लिए बताया गया G28U 0.00W 0.00, ओके। अब हम टूल कॉल करेंगे, टूल हम 7 नंबर लेंगे, 7 नंबर का टूल अवेलेबल है हमारे पास। और इस बार ऑफसेट जो है दोस्तों हम एक काम करते हैं, ऑफसेट भी 10 ही रख लेते हैं, क्योंकि वो ऑफसेट हमने पहले से ले रखा है तो दोबारा लेना नहीं पड़ेगा, वो आपने देख लिया था कैसे लिया था। तो टूल नंबर 7, ऑफसेट नंबर 10। दोस्तों अब हमने टूल भी कॉल कर लिया है, अब जो है हम स्पैंडल घुमाएंगे। स्पैंडल घुमाने के लिए क्या करें, हम G92 और G96 का यूज किया था, इस बार ये दोनों हटा दिया है मैंने। इस बार मैं कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल कैंसिल का यूज करूंगा, तो उसके लिए कोड है आपका G97 स्पैंडल,
1000 M03, ये चक्के को राइट डायरेक्शन में घुमाएगा, ठीक है। तो M03 से राइट डायरेक्शन हो गया आपका। अब मैं टूल को कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं लाता हूँ G00X75 डायल, तो थोड़ा ऊपर रखेंगे हम रख लेते हैं 75 है तो 77 पे रख लेते हैं इसको, और Z2.00 टूल अभी 2 mm जो है स्टेज से पीछे खड़ा है हमारे। अब इसे हम Z0.00 कर लेंगे, बिल्कुल ये स्टेज से चिपक गया है। अब मैंने आपको बताया था कि सी पे जो है सी पे चैम्फर लगेगा कैसे, छोटा करो। दोस्तों सी से चैम्फर मैंने बताया था आपको, ये चैम्फर जो है कंटिन्यूस पाथ पे लगेगा, कंटिन्यूस कटिंग होते हुए जाएगा तो लगेगा सी। अगर आप चाहोगे कहीं खड़ा करो वहीं से सी लगा दो तो नहीं लग पाएगा, वो चलते हुए ही कंडीशन में लगेगा। तो वो चलाएंगे कैसे, वो टूल को मैं आपको दिखाता हूँ। आइए प्रोग्राम बनाते हैं। ये जेड जीरो पे लिया है, अब हम कटिंग चालू करेंगे यहाँ पे, कंटिन्यूस पाथ बनाएंगे पहले इसका हम। तो हमने कर लिया G01X 0.00 फिर 0.24, ठीक है दोस्तों। और हमको जो चैम्फर है वो चैम्फर लगाना था, तो चैम्फर के लिए अभी हमारा टूल क्या है, अब हमारा टूल क्या है, टूल यहां से खड़ा होके X 0.00 यहाँ सेंटर तक आएगा ये हमारे, और ये ऐसे चलता हुआ जाएगा, और इस पे जो है हमको 45 डिग्री पे चैम्फर चाहिए इस डाई पे। कौन सा डाया है ये, 75 mm डाया है। तो देखिए प्रोग्राम बनाएंगे हम, X 0.00। अब हम कंटिन्यूस कट है तो अब डालेंगे X 75.00 C 1.5, चैम्फर 1.5 mm का डाल रहा हूं मैं यहां पे, और फीड जो है डाल देते हैं 2 का, फीड 0.2, ठीक है दोस्तों। और Z-15.00, आगे हम थोड़ा टूल को बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब ये काम हमारा हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, टूल को होम करेंगे। तो G28U 0.00, W 0.00, M 05 M 02। दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम बन चुका, कितना छोटा सा प्रोग्राम है आप देख लीजिए, ये सी से चैम्फर लगाने के लिए है, ठीक है। अब ये सी से हम चैम्फर लगा रहे हैं, देख लीजिए आप बढ़िया से इसे। अब मैं ऑफसेट ले रखा है, अब मैं इसे चला के दिखाता हूं आपको। दोस्तों हम प्रोग्राम बना चुके हैं, अब मैं आपको चला के दिखाता हूं ऑटो में, ये प्रोग्राम आपका बन चुका है, देख लीजिए एक बार आप ध्यान से, ये देख लीजिए प्रोग्राम आप, मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। ये देखिए ये आपका प्रोग्राम है, देख लीजिए इसे। ठीक है अब मैं इसे चलाने जा रहा हूं, इसे ऑटो में चलाऊंगा मैं। ये देख लीजिए अब ये सी से चैम्फर लगेगा कंटिन्यूस कट में, हमने केवल सी की वैल्यू लिखी है यहां पे। ये देखिए सी से चैम्फर लगते हुए, ये देखा ये चैम्फर आ चुका है, मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाऊंगा इसे। ये देखिए ये चैम्फर आ चुका है, ठीक है। इस चैम्फर को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। तो चैम्फर को अगर बड़ा करना है तो हम कहां पे टच करेंगे इसे, कहां पे मेडिटिंग करेंगे देख लीजिए आप। अगर चैम्फर को बड़ा करना है तो सी जो है सी की वैल्यू बढ़ा देंगे हम, कर दियो सही में जा रहा हूं, सी 2.00। देखे दोस्तों मशीन पे, अब उधर घुमा दो,
देखिए चैम्फर बढ़िया आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, चैम्फर हमने लगा दिया है सी से। ओके दोस्तों, आपने देखा कि हमने सी से कैसे चैम्फर लगाया, केवल चैम्फर लगेगा 45 डिग्री पे और कोई एंगल नहीं होगा। तो ये चैम्फर लगाने का सिस्टम है सी से। अब मैं जो है आपको अगले वीडियो में बताऊंगा A4 एंगल, एंगल से चैम्फर कैसे लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।